आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। इस दिन भगवान बुद्ध के विचारों और उपदेशों को पढ़ते और सुनते हैं ताकि उनके बताए मार्ग का अनुसरण किया जा सके। उसमें से कुछ उपदेशों को मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूं। आप इसे अपने मित्रों, परिजनों और शुभ चिंतकों को शेयर भी कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश। व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि क्रोध की सजा नहीं मिलती है, यद्यपि क्रोध से सजा प्राप्त होती है। एक हिंसक पशु से ज्यादा खतरनाक धोखेबाज और दुष्ट मित्र होता है, वह आपके विवेक और बुद्धि को भी हानि पहुंचाता है। ऐसे दोस्तों से दूर ही रहना चाहिए। आप किसी पर शक या संदेह ना करें, ऐसा करने से रिश्ते टूटते हैं, चाहे वह मित्रता ही क्यों ना हो। मोह और माया के बंधन से मुक्त रहना चाहिए। जो जितने लोगों को प्रेम करते हैं वे उतने ही लोगों से दुखी भी रहते हैं। जो प्रेम रहित हैं वे संकट से मुक्त हैं। खुद पर जीत हासिल करना हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है, क्योंकि वह जीत आपकी होगी। इन संसार में तीन चीजों को कभी नहीं छिपाया जा सकता, वे हैं सूरज, चांद और सत्य। आप किसी दूसरे से घृणा करके घृणा को खत्म नहीं कर सकते हैं, घृणा को सिर्फ प्रेम से खत्म किया जा सकता है। जो समय बीत गया है उसके बारे में ना सोचें और ना ही आने वाले समय की चिंता करें। आपके साथ वर्तमान समय में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दें। ऐसा करने से ही आपको असली खुशी प्राप्त होगी। आप अपने मन को साफ रखें। आपका मन बदल जाए तो आपके मन में कोई गलत या बुरे विचार पनपेंगे ही नहीं। मन में ही बुरे काम जन्म लेते हैं। स्वयं को सेहतमंद रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मन भी स्वस्थ रहेगा, उसमें अच्छे विचार रहेंगे। कोशिश कीजिए इन उपदेशों पर अमल करने की। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।